गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को आज आपका हिंदी का फोर्थ चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ। फोर्थ चैप्टर है आप लोगों का व्यायाम के ऊपर, जो कि इन्होंने लिखा है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है ये पाठ, ठीक है। तो इसमें व्यायाम, व्यायाम मीन्स एक्सरसाइज होता है, उसकी महत्ता बताई गई है कि क्या व्यायाम से क्या लाभ है, क्या हानि है, ठीक है। तो उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णन किया गया है। व्यायाम का विस्तार में वर्णन करते हुए उनकी विशेषता तथा महत्व पर प्रकाश डाला गया है। इस चैप्टर में उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोणों से व्यायाम के प्रकार तथा देश विदेश में अच्छे व्यायाम के प्रति जागरूकता को दर्शाया है। शरीर को स्वस्थ रखने तथा मानसिक संतुलन की व्यायाम बहुत ही मानसिक संतुलन के लिए व्यायाम बहुत ही ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्यायाम के लिए, ठीक है। तो मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। मनुष्य के लिए वायु, जल और अन्न की जितनी आवश्यकता है, उतनी ही आवश्यकता व्यायाम की भी है। यह सच है कि व्यायाम के बिना जैसे मनुष्य वर्षों जी सकता है, वैसे ही आहार या जल, वायु और अन्न के बिना नहीं रह सकता, ठीक है। पर यह मानी हुई बात है कि मनुष्य व्यायाम के बिना अपना आरोग्य कायम नहीं रख सकता है। ये तो हम मान सकते हैं कि व्यायाम के बिना हम जी सकते हैं, अन्न जल के बिना नहीं जी सकते हैं, लेकिन कभी लोग नहीं मान सकते कि बिना व्यायाम के बिना मनुष्य का जीवन आरोग्य हो सकता है। आरोग्य मतलब कि उनको कोई रोग ना हो। आहार के समान यहाँ व्यायाम शब्द से भी व्यापक अर्थ लेना होगा। जैसे आहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, व्यापक शब्द है, वैसे हमें व्यायाम को भी, यानी कि कसरत को भी बहुत ही महत्ता देनी होगी। व्यायाम माने केवल गुल्ली डंडा, फुटबॉल, क्रिकेट या हवा खाने के लिए जाना ही नहीं। व्यायाम मतलब यही सब नहीं होता कि खेलना कूदना, हवा खाना, वॉक करना, यही एक व्यायाम नहीं होता है। व्यायाम का अर्थ शारीरिक के साथ साथ मानसिक व्यायाम भी है। जिस तरह अस्थि, मांस और मन को आहार चाहिए, उसी प्रकार शरीर और मन को व्यायाम की भी जरूरत है। शरीर को व्यायाम ना मिले तो मन शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब यहाँ है दुर्बल हो जाता है, कमजोर हो जाता है मन। मूर्ता भी एक प्रकार का रोग ही है। कोई भारी पहलवान कुश्ती लड़ने में चाहे शक्तिमान हो, पर अगर उसका मन लड़के का सा चंचल हो, तो उसके विषय में आरोग्य शब्द का प्रयोग करना हमारी भूल है। मतलब कि वो तो बहुत पहलवान हो, लेकिन उसका जो दिमाग हो, बचपन उसके दिमाग में बचपना भरा हो, तो इसका मतलब उसका जो दिमाग है, उसका मानसिक संतुलन है, वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसके दिमाग में अगर चंचलता हो तो ये हम उसके लिए आरोग्य शब्द नहीं यूज़ कर सकते, यहाँ पर बोला गया। अंग्रेजी में एक कहावत है कि जिसके निरोग शरीर में निरोग मन हो, आरोग्य उसी को प्राप्त हुआ समझना चाहिए। यानी कि निरोग शरीर भी हो, निरोग मन भी हो, ठीक है, मस्तिष्क भी हो, तो उसके लिए ही आरोग्य शब्द प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे व्यायाम कौन से हैं? प्रकृति ने हमारे लिए ऐसी योजना कर रखी है कि हम लोग दिन भर व्यायाम ही किया करें। शांत चित्त से विचार करके देखा जाए तो मालूम होगा कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से के लोग खेती पर ही अपना गुजारा करते हैं। खेतिहर के घर के सब मनुष्य का अपने आप ही व्यायाम हो जाता है। खेती करके मनुष्य के घर में जितने भी लोग हैं, उनका अपने आप ही व्यायाम हो जाता है। ये लोग जब दिन में 8-10 घंटे बल्कि इससे भी अधिक काम करते हैं, तभी उन्हें अन्न वस्त्र मिलता है। उनके मन को और व्यायाम की ज़रूरत नहीं होती है। खेती हर मूढ़ दशा में काम ही नहीं करता, उसे मिट्टी की पहचान होनी ही चाहिए। मौसम का ज्ञान उसके लिए आवश्यक है। तरकीब के साथ उसे हल जोतना पड़ता है।
सूरज चांद और सितारों को गति का सामान्य ज्ञान के लिए, मतलब कि ये खेती करने में सिर्फ मेहनत ही नहीं है, उन लोगों को सब चीज़ का ज्ञान होता है, यानी कि उसमें किसका यूज़ होता है, मस्तिष्क का यूज़ होता है कि मौसम कैसा है नहीं है, और उसके बाद उनको तरकीब के साथ साथ उनको क्या हल भी जोतना पड़ता है, इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। सूरज चांद का, सितारों का गति का वो सामान्य मतलब कि ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिए, कब सूरज डूबेगा, कैसे होने से सूरज डूबता है, कितने बजे डूबता है, इन सब का सामान्य ज्ञान उन लोगों को होना चाहिए। शहर का रहने वाला बड़ा बुद्धिमान और चतुर मनुष्य भी जब देहात में जाता है, देहात मतलब गांव में जाता है, तो नितांत दीन बन जाता है। दीन बन जाता है, नितान दीन मतलब गरीब बन जाता है। खेतीहर यानी कि किसान बता सकता है कि बीज कैसे बोआ जाता है, वह आसपास के पेड़ पौधे और जानवरों को ज्ञात रखता है। खेतीहर किसान, ठीक है, यहाँ पे खेतीहर किसान के लिए यूज हुआ। खेतीहर तारों की स्थिति से रात का भी दिशा मालूम कर सकता है। पक्षियों की बोली और उनकी गतिविधियों से भी वे बहुत सी बातें जान लेते हैं। जब कई पक्षी इकट्ठे होकर कोलाहल मचाते हैं तो वो उनसे बारिश का अनुमान कर सकते हैं। खेतीहरों के जीवन क्रम से यह बात मालूम होगी कि मनुष्य को 8 घंटे शारीरिक श्रम करना चाहिए, और श्रम भी इस खूबी के साथ होना चाहिए कि इसके साथ साथ ही साथ ही साथ मानसिक शक्ति को भी व्यायाम मिले। जैसे अब खेतीहर किसान वगैरह को होता है, उनको शरीर की मेहनत तो होती है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, उनको अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है, अपनी तरकीब भी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो उनका दिमाग का भी, मस्तिष्क का भी व्यायाम होता है और उनका शरीर का भी व्यायाम होता है। आजकल व्यापारियों को मानसिक व्यायाम बहुत करना पड़ता है, परंतु यह निरा इखरा है। खेतीहरों के समान ये खगोल, भूगोल या इतिहास नहीं, मन की शक्ति का पूर्ण विकास नहीं होता। शरीर को कुछ हिलाना डुलाना यह कोई मेहनत नहीं है। आज मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ा रही हूँ, ठीक है, सेकंड पेज के यानी पेज नंबर 25 के सेकंड पैराग्राफ तक। कल मैं आप लोगों को इसका नेक्स्ट वीडियो सेंड करूँगी, तब तक आप लोग इतना रीडिंग करेंगे, ठीक है, अच्छे से, और जो नहीं समझ आता है तो मुझसे पूछेंगे। इतने तक में ये बताया गया है कि मनुष्य के लिए जिस प्रकार शरीर का व्यायाम जरूरी होता है, उसी प्रकार उसको मस्तिष्क से भी तंदुरुस्त रहना बहुत ही जरूरी होता है, जिस प्रकार एक किसान को, ठीक है। तो इतना आप लोग पढ़ेंगे, और इसके आगे का जो वीडियो होगा वो वीडियो नंबर पार्ट 2 में होगा। ओके, थैंक यू।